देखिए चलिए, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ठीक है ना, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ध्यान से देखना, जो इसका स्टैंडर्ड साइन है, स्टैंडर्ड साइन क्या है? कर्ली ब्रैकेट। वैसे तो डेफिनेशन गिवन हो सकती है, लेकिन स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है? अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को हमको क्या मानना है? एफ एक्स इक्वल टू, अगर हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है तो इसकी जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो क्या है? एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स, वेयर ब्रैकेट क्या है? GIF। वैसे डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इंटीजर, मतलब दूसरी डेफिनेशन भी पॉसिबल है, लेकिन अगर कुछ दिया नहीं है तो फ्रैक्शनल एक्स की डेफिनेशन हम क्या मानेंगे? एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स, वेयर ब्रैकेट क्या है हमारे पास? GIF। नोट कर लो ये पहले, वेयर ब्रैकेट इज GIF। ठीक है ना? अब ध्यान से देखना, डिफाइंड ही ऐसी है, इसको कभी नहीं भूलना है। अगर कुछ दिया नहीं है तो डिफाइंड कैसे है? एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स, ठीक है ना? अब ध्यान से देखना, अगर मेरे पास एक्स कितना है? 1.3 है, तो ब्रैकेट एक्स कितना होगा? 1। फ्रैक्शन एक्स कितना होगा? कितना होगा? फ्रैक्शन एक्स कितना होगा? 0.3। बात समझ में आई कि नहीं? अगर मेरे पास एक्स क्या है? 5.4 है, तो ब्रैकेट एक्स कितना होगा? 5। फ्रैक्शन एक्स कितना होगा? 0.4। अगर मेरे पास x इक्वल टू 7 है तो ब्रैकेट x कितना होगा? 7। फ्रैक्शन x कितना होगा? 0। अगर मेरे पास x निगेटिव लेते हैं, x कितना है? -1.1 है, ब्रैकेट x कितना आएगा? -2। -1 तो इससे बड़ा हो जाएगा ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है? द ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन एक्स। फ्रैक्शन एक्स कितना आएगा? 0.9। नोट इट, ढंग से लिख लो, ये भूल जाते हैं। हमें ये कभी नहीं बोलना कि फ्रैक्शन एक्स कैसे डिफाइंड है। एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स, मान लो एक्स मेरे पास क्या है? -2.4 है, ब्रैकेट एक्स कितना आएगा? -3। फ्रैक्शन एक्स कितना आएगा? 0.6। ठीक है कि नहीं? तो हमें ये कभी नहीं बोलना है कि जो ब्रैकेट है फ्रैक्शन एक्स है, कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, और स्टैंडर्ड इसकी डेफिनेशन क्या है? एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स। नोट कर सकते हैं, इससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी थोड़ी सी। ठीक है ना? इंडिपेंडेंटली कई बार इसे आई भी कह देते हैं। फ्रैक्शन एक्स को कैसे लिख देते हैं? एफ से, और इसे क्या लिख देते हैं? एक्स माइनस आई। मतलब फ्रैक्शन एक्स को कई बार हम एफ से भी डिनोट करते हैं, और आई प्लस एफ क्या होता है? एक्स। बात समझ में आ गई कि नहीं? मतलब फ्रैक्शन एक्स को एफ से और ग्रेटेस्ट इंटीजर को आई से। समझ गए? अब ढंग से कंसंट्रेट करिए, ये तो सीखने के लिए हमने देखा इसे। अब अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन अगर देखना चाहूं तो हर एक्स के लिए डिफाइन करना पड़ेगा। तो एफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शन एक्स है जो, वो किसके इक्वल होगा? बहुत ध्यान से देखना, किसके इक्वल होगा? एक्स एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स। लेकिन ब्रैकेट एक्स हमें मालूम है क्या होता है? कॉन्स्टेंट।
किन्हीं दो कंजुगेटिव इंटीजर्स के बीच में। बात समझ में आ गई ना? अगर एक्स कभी भी दो कंजुगेटिव इंटीजर्स के बीच में है तो ब्रैकेट एक्स क्या होता है? कॉन्स्टेंट। तो जब मेरे पास एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, लेस देन वन होगा, तो ब्रैकेट एक्स कॉन्स्टेंट होगा। जब मेरे पास एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन, लेस देन टू होगा, तो भी क्या होगा? ये कॉन्स्टेंट। जब एक्स कैसा होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू टू, लेस देन थ्री होगा, तो भी कॉन्स्टेंट। अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन है, लेस देन जीरो है, तो भी ब्रैकेट एक्स क्या होगा? कॉन्स्टेंट। तो जब एक्स जीरो से वन तक होगा तो ब्रैकेट एक्स कॉन्स्टेंट होगा, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो। तो फ्रैक्शन एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? एक्स। बात समझ में आई ना? जब मेरे पास एक्स वन से टू तक होगा तो ब्रैकेट एक्स क्या होगा? कॉन्स्टेंट। और लेकिन उस कॉन्स्टेंट की वैल्यू कितनी होगी? वन। तो फ्रैक्शन एक्स किसके इक्वल होगा? एक्स माइनस वन। अगर मेरे पास एक्स टू से लेके थ्री तक है तो ब्रैकेट एक्स क्या होगा? कॉन्स्टेंट। उसकी वैल्यू कितनी होगी? टू। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स माइनस टू। समझ गए ना? जब मेरे पास एक्स माइनस वन से जीरो तक होगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? ब्रैकेट एक्स की माइनस वन। तो एक्स माइनस और माइनस वन क्या आ जाएगा? एक्स प्लस वन। समझ गए ना? आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि पॉइंट वन का फ्रैक्शन कितना है? पॉइंट वन। पॉइंट टू का फ्रैक्शन कितना है? पॉइंट टू। पॉइंट नाइन का फ्रैक्शन कितना है? पॉइंट नाइन। पॉइंट नाइन नाइन का फ्रैक्शन कितना है? पॉइंट नाइन नाइन। लेकिन वन का फ्रैक्शन क्या हो गया? जीरो। 1.1 का फ्रैक्शन कितना हुआ? एक सेकंड रुको। 1.1 कि पहले फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। कहां से बढ़ना शुरू हुई? 0.1, 0.2, 0.3। तो क्या कभी 1 हो पाई? नहीं। तो लेकिन 0.99 हुई, फिर दोबारा 0 से शुरू हो गई। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो अभी और ज्यादा क्लियरिटी इनका ग्राफ बनाएंगे तब आएगी, इसे नोट कर लीजिए पहले आप। कर लिया? ध्यान से देखना। अब इसके ग्राफ बनाना चाह रहा हूं मैं। तो अलग अलग इंटरवल में अलग अलग जो लाइन सेगमेंट हैं वो हमारे काम के हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अलग अलग इंटरवल में अलग अलग जो लाइन सेगमेंट है वो हमारे काम के हैं। तो जीरो से वन में क्या काम का था? पहले ये बनाता हूं मैं। जीरो से वन, टू, थ्री, फोर, माइनस वन, माइनस टू। तो जीरो से वन में मतलब फ्रैक्शन एक्स किसके इक्वल था? पहले तो ये मेंशन कर लो कि जीरो का फ्रैक्शन कितना होता है? इंटीजर का फ्रैक्शन कितना होता है? जीरो का फ्रैक्शन कितना है? जीरो। वन का फ्रैक्शन कितना है? जीरो। टू का फ्रैक्शन कितना है? जीरो। थ्री का फ्रैक्शन? जीरो। फोर का फ्रैक्शन? जीरो। माइनस वन का फ्रैक्शन? जीरो। माइनस टू का फ्रैक्शन? जीरो। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब जब मेरा एक्स जीरो से लेके वन तक जाता है, जब मेरा एक्स क्या है? जीरो से लेके वन तक जाता है, तो ये बताइए, जब एक्स मेरा जीरो से वन तक जा रहा है तो फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ रही है। फ्रैक्शन एक्स किसके इक्वल है जीरो से वन में?
देखिए बताइए, जीरो से वन में फ्रैक्शन एक्स किसके इक्वल है? एक्स। तो मैं वाई इक्वल टू एक्स लाइन बना रहा हूं, लेकिन किसके इंटरवल के लिए? जीरो से वन के लिए, ठीक है कि नहीं? वन से टू में किसके इक्वल है? एक्स माइनस वन, ये लाइन बना दी, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, ये लाइन्स आ गए। ध्यान से देखना, वन के लिए फ्रैक्शन कितना है? वन का फ्रैक्शन कितना है? जीरो। तो यहां पे क्या आएगा? ओपन। पॉइंट नाइन का फ्रैक्शन कितना है? पॉइंट नाइन। इस लाइन की इक्वेशन क्या है? वाई इक्वल टू एक्स। अगर मेरा एक्स जीरो से लेके वन तक जा रहा है, तो जो फ्रैक्शन एक्स है, वाई इक्वल टू फ्रैक्शन एक्स, वो किसके इक्वलेंट है? वाई इक्वल टू एक्स। बात समझ में आ गई ना? अब वन से आगे 1.1, 1.2, 1.3, इन सब के लिए वन से लेके टू तक, टू पे फ्रैक्शन जीरो है, यहां पे ओपन आएगा। सारे इंटीजर्स पे ये ओपन ही आएगा, वन कभी भी फ्रैक्शन की वैल्यू नहीं होती। बात समझ में आ गई ना? जैसे मॉड का आउटपुट क्या होता है? नॉन नेगेटिव। तो फ्रैक्शन एक्स का आउटपुट क्या होता है? जीरो क्लोज टू वन ओपन। बात समझ में आ गई ना? ढंग से लिखिए, इसकी इक्वेशन क्या होगी? इसकी इक्वेशन क्या होगी? वाई इक्वल टू एक्स माइनस वन। इसकी इक्वेशन क्या है? वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू, ये वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन, और ये वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू। समझ गए ना? ढंग से नोट कर लो। मीन्स जीरो माइनस पे फ्रैक्शन किस तरह अप्रोच करता है? वन की ओर अप्रोच करता है, इस बात का ध्यान रखना। जीरो माइनस पे फ्रैक्शन कितना है? वन की ओर अप्रोच कर रहा है। वन तो कभी होता नहीं है। फ्रैक्शन एक्स की अप्रोचिंग वैल्यू वन पॉसिबल है। वन से कम, पॉइंट नाइन तो हो सकता है, पॉइंट नाइन नाइन हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शन एक्स की वैल्यू कभी भी वन पॉसिबल नहीं है। एक नोट लिख लो पहले। फर्स्ट लिखो वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शन एक्स। ये वन के बाद रिपीट भी कर रहा है यार। इज पीरियोडिक फंक्शन विद फंडामेंटल पीरियड वन। सेकेंड, रेंज क्या है इसकी? डोमेन क्या है? आर। डोमेन भी लिख लो। डोमेन क्या है? आर। रेंज क्या है? जीरो क्लोज टू वन ओपन। जीरो क्लोज टू वन ओपन। बात समझ में आई कि नहीं? ओके, एक नोट और लिखो। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन एफ एक्स, बहुत काम का ये। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन एफ एक्स, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन एफ एक्स इक्वल टू वन इज पॉसिबल। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन एफ एक्स इक्वल टू वन इज पॉसिबल, बट फ्रैक्शन एफ एक्स इक्वल टू वन इज नॉट पॉसिबल। बात समझ में आ गई कि नहीं? जैसे फ्रैक्शन एक्स 0.99999, ये तो हो सकता है, तो ये क्या है? वन की तरफ अप्रोच कर रहा है, लेकिन नेगेटिव साइड से। बात समझ में आ गई कि नहीं? ये समझ आया? लेकिन कभी भी फ्रैक्शन एक्स की वैल्यू, फ्रैक्शन एफ एक्स की वैल्यू वन पॉसिबल नहीं है। इतना समझ आ गया? कोई डाउट है? सही तरह से आया कि नहीं? एक बार देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए इसे। कर लिया? बहुत आसान है, ढंग से देखना। लेकिन मैं दोबारा से इंटरेस्टेड हूं
मैं सीखना चाहता हूं कि अगर मुझे वाई इक्वल टू एफ एक्स नोन है तो मैं जी एक्स इक्वल टू, ये थोड़ा टफ ग्राफ है, जी एक्स इक्वल टू फ्रैक्शन एफ एक्स, इसको मैं कैसे डील करूं, ठीक है कि नहीं? अगर इससे अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी और बढ़ेगी, अगर मेरे पास वाई इक्वल टू एफ एक्स नोन है तो जी एक्स इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ एफ एक्स मैं कैसे डील करूं, लिख लो यार, हाउ वी डील जी एक्स इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ एफ एक्स वेन वाई इक्वल टू एफ एक्स इज नोन। When y equal to fx is known, ठीक है ना? बहुत ध्यान से देखना यार। अच्छा, एक नॉर्मल सी बात है कि फ्रैक्शन fx से जो आउटपुट आता है, फ्रैक्शन x से जो आउटपुट आता है वो किस में लाई करता है, 0 to 1 में। तो इसका मतलब ये कंक्लूजन हम जरूर निकाल सकते हैं कि gx की जो रेंज होगी वो कितनी होगी, सबसेट ऑफ 0 close to 1 ओपन। इसका मतलब इसका ग्राफ y इक्वल टू जी एक्स का हमेशा किस में लाई करेगा, y इक्वल टू 1 ओपन और y इक्वल टू 0 क्लोज, इन दोनों लाइंस के बीच में। बात समझ में आ गई कि नहीं? ये नोट तो जरूर लिख लो पहले। द रेंज ऑफ y इक्वल टू जी एक्स must be the subset of 0 close to 1 open, must be the subset of 0 close to 1 open, ठीक है कि नहीं? मीन्स द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू जी एक्स लाइज बिटवीन टू लाइंस y equal to 1 open and y equal to 0 close. y equal to 1 open and y equal to 0 close. ठीक है कि नहीं? अब एक काम करते हैं, मैं इस पर दोबारा से बाद में आऊंगा, पहले मैं इंटरेस्टेड हूं किसमें, फ्रैक्शन ऑफ एफ एक्स में इंटरेस्टेड हूं, फ्रैक्शन ऑफ एफ एक्स नहीं ओनली फ्रैक्शन एक्स में, ठीक है ना? आल दो आपको एफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शन एक्स का ग्राफ मालूम है, आता भी बनाना, लेकिन फिर भी जो मैं स्टेप बता रहा हूं उनको फॉलो करते हुए ग्राफ बनाना है, इसका दोबारा से बनाना है, ठीक है ना? फर्स्ट स्टेप लिखो, वी ड्रॉ वाई इक्वल टू एक्स, वी ड्रॉ y इक्वल टू एक्स, ड्रॉ भी कर लो, वी ड्रॉ y इक्वल टू एक्स, कर लिया ड्रॉ है, ड्रॉ कर लिया कि नहीं? सेकेंड स्टेप लिखिए, आगे देखिए, इसके बाद क्या करना है आपको, वी ड्रॉ इंटीग्रल लाइंस, लिख भी लो, वी ड्रॉ इंटीग्रल लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वाई इक्वल टू 1 बनाइए, y इक्वल टू 2 बनाइए, y इक्वल टू 3 बनाइए, y इक्वल टू -1 बनाइए, y इक्वल टू -2 बनाइए, बना लिया, बना भी लें आप लोग,
बहुत टफ है ये, लेकिन आप सीखने वाले हैं अगर परफेक्ट फॉलो करेंगे इसे तो। ठीक है ना, ये बना लिया, बना लिया कि नहीं? ठीक है ना, बाई दीज इंटीग्रल लाइन्स वी कट द ग्राफ, लिख लो, बाई दीज इंटीग्रल लाइन्स वी कट द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू एक्स। By these integral lines, we cut the graph of y equal to x. ठीक है ना, लास्ट स्टेप लिखो पहले। तो कट करेंगे, जैसे ये कट कर दिया, ऐसे इसे कट कर दिया, तो पार्ट ऑफ टेंड होंगे हमें ग्राफ के, क्या ऑफ टेंड होंगे, पार्ट ऑफ टेंड होंगे, इसका लॉजिक भी मैं बताऊंगा बाद में। फाइनली वी अरेंज, लिखो, फाइनली वी अरेंज द पार्ट्स ऑफ ग्राफ, फाइनली वी अरेंज द पार्ट्स ऑफ ग्राफ बिटवीन टू लाइन्स, बिटवीन टू लाइन्स वाई इक्वल टू जीरो क्लोज एंड वाई इक्वल टू वन ओपन। ठीक है ना, बाई बी वाई बाई पैरेलल शिफ्ट, बाई पैरेलल शिफ्ट ऑफ पार्ट्स, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसको पढ़िए जरा एक बार, स्टेटमेंट पढ़िए, ध्यान से देखना। जो पार्ट ऑफ ग्राफ आए मेरे पास, ये तो जीरो टू वन में लाई कर रहा है, इसको टेंशन नहीं है कोई। इसके बाद क्या है, वन आ गया, ये वन से टू में जा रहा है, ये पार्ट आया, इसको लेके आएंगे नीचे, इसको लेके आएंगे, लेकिन सबको कहां पे लेके जाना है, एक पार्ट कौन सा आया मेरे पास, ध्यान से देखना, ये पार्ट आया, ये वाला पार्ट आया है, इसको नीचे ले गए पैरेलल शिफ्ट से, लेकिन नीचे ले जाने के बाद कहां पे अरेंज करना है, जीरो से वन में, ये अरेंज कर दिया। ठीक है ना, इसके बाद मेरे पास क्या आया, ये वाला पार्ट आया, ये वाला पार्ट, इसको भी नीचे ले जा रहे हैं, इसको भी नीचे अरेंज करना है, तो अरेंज इसको कर दिया। ठीक है ना, ये पैरेलल शिफ्ट से इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, इस वाले पार्ट को, तो इसको ऊपर ले जा रहा हूं मैं, ऐसे ये पार्ट है, इसको ऊपर ले जा रहा हूं, तो इसको भी क्या कर दिया मैंने, ऊपर ले जाके ऐसे अरेंज कर दिया। ये वाला पार्ट है, इसको भी ऊपर ले जाना पड़ेगा, ये वाले पार्ट को पैरेलल शिफ्ट ही करना है, इसको भी ऊपर ले जाके ऐसे अरेंज कर दिया। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब वाई इक्वल टू जो जी वन था वहां पे क्या लगा दिया, ओपन, ये ओपन, ये ओपन, ये ओपन, ये ओपन, ये ओपन, तो फाइनली मेरे पास क्या आ गया, ग्राफ ऑफ फ्रैक्शन एक्स। समझ गए कि नहीं? थोड़ा सा टफ है, पहले मैं स्टेप्स बता रहा हूं, फिर उसके बाद इसका लॉजिक भी बताऊंगा आपको। और ये आप y इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ fx सीख चुके हैं, आपको टेंशन नहीं है, कैसा भी हो fx, ढंग से सुनना। सबसे पहले क्या बनाया, y इक्वल टू x, इसके बाद क्या बनाया, इंटीग्रल लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस। इन इंटीग्रल लाइंस को क्या मान लिया मैंने, तलवार मान लिया, या कुछ ऐसी चीज मान लिया जिससे ग्राफ क्या हो गया, कट हो गया। तो ग्राफ कट होगा तो उसके पार्ट्स आएंगे कि नहीं, अब उन पार्ट्स का क्या करना है, रोटेट नहीं करना, घुमाना नहीं है, इधर उधर नहीं फेंकना, क्या करना है, उन पार्ट्स का पैरेलल शिफ्ट करना है, ऊपर से या तो नीचे ले जाना है बिना रोटेट किए हुए, या नीचे से ऊपर ले जाना है। और उनका डेस्टिनेशन क्या है, डेस्टिनी क्या है उनकी, क्योंकि उनको किसमें जाके अरेंज करना है, वाई इक्वल टू जीरो क्लोज से लेके वाई इक्वल टू वन ओपन के बीच में। बात समझ में आ गई कि नहीं, बात समझ में आई है, ठीक है कि नहीं? कंसंट्रेट करना, लॉजिक क्या है इसका, जब ये जीरो से वन में लाई कर रहा है तो जीरो से वन में फ्रैक्शन भी सेम ही होगा, जब ये वन से टू में लाई कर रहा है तो ये तो एक्स है, तो मेरा एक्स काम का नहीं है, क्या काम का है, एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स, तो एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स माइनस वन,
तो जो ये जो पार्ट है इससे ये पार्ट कैसे ऑब्टेंड हो रहा है, बाय शिफ्टिंग वन यूनिट डाउनवर्ड। समझ गए कि नहीं, बात समझ में आ रही है कि नहीं। जब मेरा एक्स टू से थ्री में लाई कर रहा है तो ये तो एक्स है, लेकिन मेरा फ्रैक्शन एक्स एक्स के काम का नहीं है, वो किसके काम है, किसके इक्वल है, वो एक्स माइनस टू। तो एक्स से एक्स माइनस टू कैसे आया, बाय शिफ्टिंग टू यूनिट डाउनवर्ड। जब मेरा एक्स माइनस वन से जीरो में था तो एक्स मेरा काम का नहीं है, क्या काम का है, एक्स प्लस वन। ये कैसे आया, बाय शिफ्टिंग दिस वन यूनिट अपवर्ड। बात समझ में आई कि नहीं, ये समझ आया ठीक है कि नहीं। तो आप ये बना लिया पूरा, कोई डाउट ढंग से बना लीजिए। बन गया, आ गया। यहां से एक कंक्लूजन क्या, एक और लिख सकते हैं आप, जैसे फ्रैक्शन एक्स है उसकी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी किसके इक्वल है, एक्स या शिफ्टेड पार्ट ऑफ एक्स बाय इंटीजर्स एक्स माइनस के, ऐसा ही कुछ है। तो फ्रैक्शन एफ एक्स है, फ्रैक्शन एफ एक्स की करेक्टरिस्टिक नेचर कैसा होगा, आइदर एफ एक्स और शिफ्टेड पार्ट ऑफ एफ एक्स बाय इंटीजर्स। बात समझ में आ गई कि नहीं, एफ एक्स माइनस ब्रैकेट एफ एक्स होगा कि नहीं, लिख लो यार, करेक्टरिस्टिक नेचर ऑफ एफ एक्स फ्रैक्शन एफ एक्स करेक्टरिस्टिक नेचर ऑफ फ्रैक्शन एफ एक्स इज सेम एज वाई इक्वल टू एफ एक्स और शिफ्टेड पार्ट ऑफ एफ एक्स बाई इंटीजर्स। बात समझ में आ गई कि नहीं है, अब ध्यान से देखना, स्टेप्स लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, वैसे नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। जी एक्स इक्वल टू फ्रैक्शन एफ एक्स के लिए हम क्या कहेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ड्रॉ वाई इक्वल टू एफ एक्स। सेकेंड स्टेप क्या होगा, ड्रॉ इंटीग्रल लाइंस पैरेलल टू एफ एक्स डिपेंडिंग ऑन रेंज ऑफ एफ एक्स। पता चला रेंज आ रही है माइनस वन से वन, आप बना रहे हैं वाई इक्वल टू टू, उससे तो कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आ गई ना। थर्ड स्टेप क्या होगा, बाई दीज इंटीग्रल लाइन्स कट द ग्राफ। फोर्थ स्टेप क्या होगा, बाई पैरेलल शिफ्ट अरेंज द पार्ट ऑफ ग्राफ बिटवीन वाई इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्वल टू वन। लिखी लो, फॉर जी एक्स इक्वल टू फ्रैक्शन एफ एक्स फर्स्ट ड्रॉ वाई इक्वल टू एफ एक्स, सेकेंड ड्रॉ इंटीग्रल लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, डिपेंडिंग ऑन रेंज ऑफ एफ एक्स। एंड कट द ग्राफ बाय दीज इंटीग्रल लाइंस फाइनली लिखो, बाय अरेंजिंग
पार्ट्स ऑफ ग्राफ बिटवीन y इक्वल टू जीरो क्लोज एंड y इक्वल टू वन ओपन विद द हेल्प ऑफ पैरेलल शिफ्ट विद द हेल्प ऑफ पैरेलल शिफ्ट विद द हेल्प ऑफ पैरेलल शिफ्ट ड्रॉ gx इक्वल टू फ्रैक्शन fx। समझ गए ना? अब एक बार पढ़ लो इसे। लास्ट वाले स्टेप्स को बहुत ध्यान से पढ़ लो थोड़ा सा। सबसे पहले क्या बनाते हैं? मैं रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले क्या बनाते हैं? एफएक्स, फिर इंटीग्रल लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। उन लाइन से क्या कर दो? ग्राफ को कट कर दो। जो पार्ट आए हमारे पास उनका क्या करना है? या तो ऊपर ले जाना है या नीचे ले जाना है, लेकिन फाइनली उनको सेट कहां पे करना है? जीरो क्लोज से वन ओपन। जो ग्राफ का पार्ट जीरो क्लोज से वन ओपन के बीच में ही होगा, क्या उसे टच करेंगे? नहीं, वो कैसा रहेगा? रिमेन्स सेम। बात समझ में आ गई ना? चलो एक एग्जांपल लेते हैं। इफ एक्स इज एलिमेंट ऑफ जीरो क्लोज टू टू पाई क्लोज, ड्रॉ जी एक्स इक्वल टू फ्रैक्शन साइन एक्स। मेनली क्या स्टेप्स हमें सीखने हैं? तो y इक्वल टू साइन एक्स तो मैं जानता हूं, आप लोग भी जानते हैं, जीरो से टू पाई में जा रहे हैं, ये बना लिए। कितनी इंटीग्रल लाइंस बनानी चाहिए? है क्या? तीन। एक क्या? y इक्वल टू वन, y इक्वल टू जीरो है ये, y इक्वल टू माइनस वन। बात समझ में आ गई ना? अब जो पार्ट इसका जीरो टू वन में लाई कर रहा है उसे टच नहीं करेंगे। बस क्या किसी के फ्रैक्शन की वैल्यू जीरो हो सकती है, वन हो सकती है? नहीं। तो यहां पे ये ओपन आएगा और यहां पे आ जाएगा ग्राफ। इसके अलावा ये सेम ही रहेगा ऐसा, और ये ऐसे ही रहेगा। अब ये ग्राफ वाई इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू माइनस वन में, तो इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो ऊपर ऐसे शिफ्ट करेंगे तो कैसा आएगा? फाइनली ऐसा आ जाएगा, शेप चेंज नहीं करेंगे, रोटेट नहीं करेंगे। तो फाइनली जो फ्रैक्शन साइन एक्स का ग्राफ आएगा मेरे पास, वो कैसा आ जाएगा? बहुत ध्यान से देखना। ये ओपन, ये आया यहां पे, ऐसा आया, ये जीरो है। बात समझ में आ रही है ना? इस पार्ट की इक्वेशन क्या होगी बता सकते हैं आप आसानी से? वाई इक्वल टू क्या होगी? साइन एक्स प्लस वन। समझ गए कि नहीं? बना लो सही तरह से। टू पाई पे ये टच ही इसी को करेगा ना, टू पाई पे इट इज। ठीक है, समझ आ गया? कोई डाउट? बहुत परफेक्ट हो गए हैं आप, इसमें कभी गलती के चांसेस नहीं है। लिख लो यार एक और। इफ एक्स इज एलिमेंट ऑफ वन क्लोज टू ई क्यूब क्लोज, डेवलप द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शन एल एन एक्स। अटेम्प्ट लीजिए, मैं डिस्कस करूंगा। एक मिनट है आपके पास, करिए। चलिए
देखिए, चलिए एलन एक्स बनाया, इंटीग्रल लाइन कौन कौन सी बना लें, कहां से जा रहे हैं, वन से लेके कहां तक गए, कहां तक गए, ई स्क्वायर ई क्यूब, ई क्यूब तक है ई पावर फोर। तो इंटीग्रल लाइंस क्या कौन कौन सी बनाएंगे, वाई इक्वल टू वन, वाई इक्वल टू टू, वाई इक्वल टू थ्री। ठीक है ना, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा, ये तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, सही बना लेना, ये तो सेम ही रहेगा, ये शिफ्ट होके नीचे आएगा ऐसे आ जाएगा, एक और शिफ्ट होके नीचे आएगा ऐसे आ जाएगा, और ये आ जाएगा, सही है ना, है समझ आ गए ढंग से। एक और लिखिए, ड्रॉ y इक्वल टू फ्रैक्शन एक्स स्क्वायर, यहां से कुछ और सीखने को मिलेगा, x प्लस वन इफ x इज एलिमेंट ऑफ माइनस वन टू वन क्लोज। देख रहे हैं यार, मैं ही बताता हूं, वेरी सिंपल है वैसे तो, इसका वर्टेक्स कितना आएगा, माइनस हाफ पे कितना आ रहा, थ्री बाई फोर। तो ये वाला पार्ट मेरे मतलब का है, यहां से लेके कहां तक, वन पे वैल्यू कितनी आ रही है, थ्री, ठीक है ना, ये कितना है जीरो कॉमा वन, ये ग्राफ इसका मेरे मतलब का है। तो इंटीग्रल लाइन कौन कौन सी बनानी चाहिए है बताइए, वाई इक्वल टू वन तो ये बन गई, चलो, और y इक्वल टू टू भी बननी चाहिए, और y इक्वल टू थ्री, और ढंग से देखना, तो मुझे ये मालूम होना चाहिए कि ये टू कहां पे हो रहा है, तो टू कहां पे होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू टू कहां पे होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस वाली लेंगे, माइनस वन प्लस, तो नेगेटिव में नहीं, इसका x कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश कर रहा हूं, कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर एसी की वैल्यू कितनी होगी, रूट फाइव अपॉन टू, समझ गए ना। अब बहुत ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूं, अलग ही बना रहा हूं, इसमें थोड़ा टेंशन है। जब x की वैल्यू, या इसी से भी बना देता हूं, फाइनल भी बना दूंगा, x की वैल्यू माइनस वन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन की वैल्यू कितनी आ रही है, वन, तो वो फ्रैक्शन कितना आएगा, जीरो, लेकिन फिर इसकी वैल्यू क्या है, वन से थ्री बाई फोर तक, और थ्री बाई फोर से वन तक गई है, तो फ्रैक्शन भी कैसा रहेगा, सेम ही रहेगा, यहां ओपन लग जाएगा बस, और यही रहेगा, बहुत काम की चीज थी, तो जीरो से वन में लाई करेगा उसको वैसे ही रखेंगे, बात समझ में आ गई ना, जीरो पे वैल्यू कितनी आएगी, वन, तो फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, जीरो, फिर जीरो वन से लेके, जीरो से लेके रूट फाइव माइनस वन अपॉन टू, फिर वन, इसमें कहां से कहां तक जा रहा है, ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये इसको नीचे लेके आएंगे तो ये आ जाएगा ऐसा, और फिर यहां से दोबारा से ऐसा आएगा, और ये ऐसा होगा, बात समझ में आ रही है कि नहीं, मैं दोबारा से एक फेयर ग्राफ भी बना देता हूं, ध्यान से देखना क्या क्या था, पॉइंट डिस्टेंसेस पे ध्यान मत देना, पॉइंट को समझाना है हमें, एक जीरो पे, और ये क्या था, रूट फाइव माइनस वन बाई टू, और ये क्या था, वन, ठीक है ना, यहां पे हमारे काम का क्या है, वन, सब पे क्या है, ओपन है, बहुत ध्यान से देखना, वाई इक्वल टू वन लाइन ओपन ही बना देता हूं, येलो कलर से ये बना दी, ठीक है ना, ग्राफ कहां से कहां तक बनाना था मेरे को, माइनस वन, तो अब रेड से बना रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, माइनस वन पे कितना आया था, जीरो, वन पे जीरो पे कितना आया, जीरो, रूट फाइव माइनस वन बाई टू पे कितना आया, जीरो, वन पे कितना आया, जीरो, ठीक है कि नहीं, ये पार्ट आसान है, इसलिए इसको पहले बना लेता हूं, यहां पे कैसा क्या है, ऐसे ओपन, यहां पे भी ऐसे ओपन, वो नीचे होके आए थे, लेकिन ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, यहां पे ओपन, यहां पे ओपन, लेकिन यहां पे कैसा ग्राफ था, चेंज नहीं हुआ, क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इट्सेल्फ में किस में लाई कर रहा था,
इसके कोऑर्डिनेट कितने थे, माइनस वन बाई टू, थ्री बाई फोर। तो कोई भी नंबर अगर 3/4 से 1 के बीच में होगा तो इसका फ्रैक्शन भी क्या होगा, सेम ही होगा, चेंज क्यों करेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं, ये समझ आ गया ठीक है कि नहीं। तो एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, y इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ एफ एक्स का एक जनरल आइडिया आपको हो चुका है, इससे फ्रैक्शन की भी अंडरस्टैंडिंग हुई है। अगर मेरे पास y इक्वल टू एफ एक्स नोन है तो gx इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ एफ एक्स के बारे में क्या बात है कि उसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, जीरो क्लोज टू वन ओपन, मीन्स वहां से जो आउटपुट आएगा वो हमेशा कैसा होगा, जीरो क्लोज टू वन ओपन। बात समझ में आ रही है कि नहीं, जीरो क्लोज टू वन ओपन। और इसका हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, डील कैसे करेंगे इसे, इसका करेक्टरिस्टिक नेचर कैसा है, शिफ्टेड फॉर्म ऑफ एफ एक्स बाई इंटीजर्स और सेम एज एफ एक्स, ठीक है कि नहीं। बनाने का तरीका क्या है कि एफ एक्स को बनाएंगे इंटीग्रल लाइंस बनाएंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लेकिन किस बात पे ध्यान देते हुए, डिपेंडिंग ऑन रेंज ऑफ एफ एक्स, उन इंटीग्रल लाइन से ग्राफ को कट कर देंगे और जो पार्ट ऑफ ग्राफ आएंगे उसको या तो नीचे ले जाएंगे या ऊपर ले जाएंगे और उनको फाइनली किसमें शिफ्ट करेंगे, जीरो क्लोज टू वन ओपन। समझ गए ना, इसमें कोई डाउट है? इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज वगैरह भी हैं, वो मिक्सअप करके करेंगे आगे, लेकिन मुझे लगता है इसका सॉल्यूशन तो आप डायरेक्ट ही बता सकते हैं। अगर मेरे पास कभी ये लिखा है, ध्यान से देखना, टू साइन एक्स प्लस एल एन एक्स प्लस ई की पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन फ्रैक्शन इक्वल टू टू, ये तो कैसा आ गया कि मॉड एक्स इक्वल टू माइनस फाइव, ऐसा ही तो आ गया। तो ऐसी कोई इक्वेशन लिखी है तो आंख बंद करके हम क्या बता देंगे, फ्रैक्शन से आउटपुट ही क्या होता है, जीरो क्लोज टू वन ओपन। फिर भी कई बार स्ट्राइक नहीं करता है, लिख लो यार इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, नो रियल सॉल्यूशन। समझ गए ना, क्योंकि फ्रैक्शन की वैल्यूज, कोई भी फ्रैक्शन हो दुनिया की, कुछ भी चीज है, उसका फ्रैक्शन है वो किसमें लाई करता है, जीरो क्लोज टू वन ओपन। मॉड किसमें लाई करता है, नॉन नेगेटिव। ये बहुत कोर बातें हैं जो एकदम स्ट्राइक करनी चाहिए। ब्रैकेट है वो किसमें लाई करता है, आउटपुट क्या होगा, इंटीजर। बात समझ में आ गई नहीं,